तीनों सीट खाली था तो मम्मी इस पे सोनी है एंड ये तीनों सीट खाली है तो मैं इस पे सोने वाली हूँ। इकोनॉमी में बिजनेस क्लास वाली फीलिंग आ रही है। लैंड कर चुके हैं, लैंड करने के साथ साथ आवाज भी हमारी लैंड हमारी नहीं इसकी, क्योंकि तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली फुकेट में एंड अभी ना हम ढूंढ रहे हैं अपने होटल के ड्राइवर को। यार हमें कोई लेने ही नहीं आया, छोटी बच्ची हो गया वंतरा है मिसेस गाइस ममता वर्मा तो कहीं दिख ही नहीं रहा यार। ये रहा मिसेस ममता वर्मा। बंद हो जा। What happened? Parking cannot 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes he lock เลย. बेचारे का चालान कट गया. He not park 2,000 baht. Oh, अरे यार 2,000 baht यानी 4,000 rupees चालान कट गया. 5,000. एक तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोला जा रहा है, मैं बोल रही हूँ कि नीचे सब टाइटल भी नहीं आ रहा है कि हम समझे। थाई थाई ये देखो इनका गियर कितना सुंदर है, हटाइए जरा देखो। आहा प्यारा प्यारा नाइस, एकदम बगल में ही लेके घूम रहे हैं। हम इसी में खाने पीने का सिलेंडर चूल्हा सा। लेकिन अफसोस एक चीज दिखाएं, डॉग्स नॉट अलाउड। इनका है ना, मतलब हाँ मेरा रहेगा तो क्यों नहीं, हाथी हम घुसवा लेंगे। यार ये जंगल में ले जा रहे हैं, इनका चालान कटिया लग रहा है, गुस्सा हमारे पे ही निकालेंगे। इतना जोर से कार चला रहे हैं, जंगल में ले जाके छोड़ देंगे और हम लोग का खून मार मार के। भाई हिंदी तो नहीं समझ आती है ना, आएगी ना तो बोल सकते। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होटल पे, हम लोग को फिर से 1 घंटा लगा और हम लोग को 1 घंटे का ब्रेक मिला तो उसमें हम लोग फिर से सो गए। और होटल काफी बढ़िया लग रहा है मुझे तो, रूम में जाके देखेंगे कि होटल कैसा है, रूम में जाके देखेंगे कि होटल कैसा है। जस्ट घर में आए और हमें सामने खटिया बिछा हुआ दिखा, रुको लाइट जला के असली देखते हैं। ये है हमारा रूम, बाथरूम कुछ ऐसा है गाइस। अरे बहुत गलत माना जाता है इसको। सोफा भी है, चारपाई भी है। ये हमारा बाहर का व्यू है दोस्तों, ये देखो गाइस बाहर का व्यू ऐसा है। यार रूम तो बहुत प्यारा है वैसे, छोटा सा क्यूट सा बढ़िया सा, बढ़िया सही बात है। तो गाइस हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और ना मैंने रेस्टोरेंट में कॉल करके बोला कि आप ये मंगा दो, वो कहते हैं कि टाइमिंग खत्म हो चुकी है, आप 3 बजे तक ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम आए हैं एक कन्वीनियंस स्टोर में, 7-Eleven है शायद, हाँ 7-Eleven है। देखो गाइस कुछ यहाँ यूनिक खाने का देखते हैं है या नहीं, कुछ मिला कुछ यूनिक। ये देखो हमारा प्यारा लेज भी है यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स में, भाई साहब कितना मजेदार है। तो क्या क्या चीजें हैं गाइस, ये सुशी है क्या गाइस? मैं नहीं बताऊंगा, पैकेट में मिल रहा है। अरे ये देखो कोरियन नूडल, ऑनलाइन मंगाते तो टाइम लगता आने में, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे शेर मेरे चीते, मैंने तुझे कुछ दिन अकेला क्या छोड़ा, तू थाईलैंड आ गया। गाइस ये मैं ले रही हूँ। तो यार हम लोग ना कन्वीनियंस स्टोर में गए थे लेकिन हमें दिख गया ये कुछ पाकिस्तानी या फिर इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। बड़ा अतरंगी बोतल है चीनी का भाई, मतलब हम लोग चाय के इतने शौकीन है। हमारा खाना भी ऑर्डर होने को मिला है और हम लोग का सारा देखा चाय भी आ गया और खाना भी आ रहा, सब आ रहा है। गाइस हम लोग का खाना आ गया, आपको ये टाइम क्या हो रहा है हम लोग का खाना खाने का? हमने सिर्फ सुबह से चाय बिस्किट यही सब खाया है और बजना शाम के 5। चलो बाईस चलो गाइस खाके मिलते हैं, मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा बोलती रहूं। यहाँ पे ना ज्यादा दूर पर कुछ भी नहीं है, पास में ही लॉन्ड्री है, पास में ही कन्वीनियंस स्टोर है, पास में ही सब कुछ है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना। मतलब जो होटल लिया है ना वो काफी सही जगह पे है एंड यहाँ पे ना एक मंदिर भी है, यहाँ पे ना गणेश भगवान का मूर्ति है, बहुत ही प्यारा सा। आपको दिखाती हूँ देखो, आ गणेश भगवान की मूर्ति। ये देखो ड्रम से कितना प्यारा इन्होंने चेयर सेटअप बनाया हुआ है यार, कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है। यार ये सड़क पे इतना सुंदर सुंदर चेयर वगैरह फेंका हुआ है, इंडिया में रहता ना मैं अपने घर पे लेते जाती इसे, इतना प्यारा है यार। नजदीक रहता तो गाड़ी में लेकर चले जाते। हाँ कोई पूछ ही नहीं रहा इतने प्यारे चेयर को। बाय बाय।
अब हम जा रहे हैं अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। स्ट्रीट्स ऑफ थाईलैंड ये है गाइस, देख लो आप लोग। उनका ना बहुत प्लान है, मतलब अभी हम लोग दो दिन फुकेट में हैं, फिर उसके बाद जाएंगे एक सिटी है पटाया करके, वहाँ जाना है 2 दिन, फिर बैंकॉक एकदम लास्ट में। ये हमारा ट्रिप टोटल 10 दिन का है। ये बिल्लू 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 समझ रही है, देखो बिल्लू बिल्लू ए बिल्लू ए बिल्लू, काटेगा तो नहीं थाईलैंड बिल्लू, काटेगा तो नहीं, काटेगा सोएगा थाईलैंड का बिल्लू, काट दूंगा खींच के तमाचा सोने दे, तू भाग जा अपने इंडिया। तो गाइज हम लोग मस्त स्विमिंग पूल में नहाए धोए तो नहीं है, लेकिन आराम से रूम में सो गए हैं, और सो के उठने के बाद हम फिर से रेडी हो गए हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं, कौन से मार्केट जाएंगे। अभी तो पहले हम लोग टैक्सी ढूंढने जा रहे हैं, टैक्सी कहाँ से मिलती है। तो यार हमें ना एक टुक टुक दिखाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्राइस। तो देखो गाइज थाईलैंड का बच्चा प्यारा क्यूट, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, थ्री, योर नेम इज फोर, नेम नहीं पता, नेम ओके भैया, भैया नहीं भैया, लेट्स गो गाइज। हमने फाइनली टुक टुक की गाड़ी कर ली, क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो अब हम जा रहे हैं नाका मार्केट, हमें लगेंगे आधे घंटे। गाइज हम नाका मार्केट आ चुके हैं, ये पूरे फुकेट का सबसे बड़ा मार्केट है, देखने से लग रहा है, एक्सप्लोर करते हैं। यार हम लोग बहुत लेट है, हमें ना यहाँ पे 9:30 हो गया और ये 11 बजे बंद हो जाए। इतना सुंदर सुंदर ड्रेस है गाइज, वाइट 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 हेवन, पहन के देखो कैसा लग रहा है, दिखाओ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत नहीं अरे इंडियन मिल ये टीका लगाया ना, टीका अच्छा लगा, नेपाल पासी में गोरखपुर से, यार गाइस ये देखो, ये देख के हम लोग डर गए, बहुत ज्यादा छूने का मन नहीं कर रहा है, बहुत भारी था। अरे यार गाइस ये देखो, ये सोप पे साबुन है लगी नहीं रहा, इन्होंने ना सोप कार्विंग कर रखी है, देखो सोप कार्विंग करते हैं, एंड ये सब कितना सुंदर सुंदर है, यहाँ पे रोज वाला सोप है, यार ये लगी नहीं रहा कि साबुन है, बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ पे साबुन है, मैं तो कभी नहाऊ ही नहीं, इतना सुंदर साबुन। वो देखो बॉडी बिल्डर वाला वो मिल रहा है, क्या है मम्मी ये, लॉटरी निकलेगा खरीद, ये क्या है, क्या है ये गाइस। इस मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी, इतनी यूनिक यूनिक चीजें हैं यार, हम तो बस देखते ही रह जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था और हमारा टाइम भी खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट में ये पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। ये सब सोप है, ये सब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सोप है भाई, कितना प्यारा लग रहा है, ये सब सारा। यार इतने दिन में ना हमें कुछ यही जान पहचान करता, और ये बस कलर से पता चल रहा है कि फांटा है, यहाँ पे कुछ खाने पीने लायक नहीं है, यही कुछ जान पहचान का मतलब। तो गाइस हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ कर ली, अरे बहुत सारी, 2-3 हजार बात की कर ली, बात तो अभी हम लोग नाका मार्केट गए थे, तो हमें बीच में ये सेंट्रल प्लाजा, क्या है ये सेंट्रल फुकेट मार्केट दिख गया, तो हमने बोला कि भैया प्लीज रोक दो 10 मिनट के लिए, तो इतना अच्छे यार यहाँ के लोग बहुत अच्छे, ये बात तो मानना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर से हमारे लिए 10 मिनट के लिए रोक दिया। देखते हैं हम कितना टाइम लगाते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे यार, क्योंकि अब आए हैं तो देखना तो बनता है। गाइज वो नाका मार्केट कुछ ज्यादा ही बड़ा था, तो हमें ये मार्केट उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ से भी कुछ चीजें ले ली हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, बस हम लोग सामान लेते जा रहे हैं, दिखाएंगे बाद में। चलो गाइज देखते हैं रास्ते में कुछ और मिलता है तो रोकते हैं, वरना फिर होटल पे मिलते। गाइज हम लोग ऑटो में से उतर गए, अपने होटल वाली गली में भटक रहे हैं खाना खाने के लिए। अपना
पेट भर के खाना ठूस लिया है, हम जा रहे हैं सीधे होटल और जाके सोएंगे। नहीं गाइस, इसका एक घंटे बाद बर्थडे है, एक घंटे बाद। लेकिन पता है हमें ना सोना पड़ेगा क्योंकि कल है, कल हमें सुबह उठना है 4 बजे क्योंकि हमें निकलना है 6 बजे, तो इसीलिए हम जाएंगे सोएंगे। बर्थडे बर्थडे रात बात का नहीं मनाते हैं यार, सुबह दिन मनाएंगे, अच्छे से दिन भर मनाएंगे, उसके बाद रात भर मनाएंगे और अभी 12 बजे वाला सो जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय गाइस, बाय।